हे गाइस, वेलकम टू studyindia.com। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नेहा कुमारी, जिन्होंने बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2020 में पूरे बिहार में साइंस स्ट्रीम से टॉप किए हैं। इन्होंने बिहार का जाने माने न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में इन्होंने एक इंटरव्यू दे रखा था, उसी इंटरव्यू के माध्यम से आज समझने जा रहे हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी को अपना कर इन्होंने पूरे बिहार में इंटर परीक्षा में टॉप किए हैं। तो गाइज, वीडियो को टिल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। चलते हैं, चलिए हम लोग इनका स्ट्रेटजी को देखते हैं और इनका लाइफ स्टाइल को भी देखेंगे। तो गाइज, आपको बता दें, नेहा कुमारी जो इस वर्ष साइंस स्ट्रीम से बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में टॉप किए हैं, वो गोपालगंज जिले से बिलोंग करते थे और इनका गांव की नाम करें तो बलिवन सागर गांव इनका हुआ। और इन्होंने इस वर्ष 500 में 476 मार्क्स लाए हैं, जो बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं गाइज। और इन्होंने 12th की स्टडी हजारीमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से ले रखा था, यानी कहने का मतलब इस वर्ष इन्होंने 12th की परीक्षा हजारीमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से किया था। और इनका जो स्कोर हुआ है इस वर्ष 500 में 476 मार्क्स लाकर पूरे बिहार में टॉपर बन गई है। और जब इनसे संवाददाता पूछते हैं कि आगे चल के आपको क्या बनना है, तो इन्होंने बताया आईपीएस ऑफिसर, यानी कहने का मतलब ये यूपीएससी के एग्जाम में भी बैठना चाहती है और यूपीएससी एग्जाम को भी पास करके आईपीएस ऑफिसर बनने का इनका सपना है। और इनका मैट्रिकुलेशन की बात करें तो नेहा जो थी वो मैट्रिक में 500 में 408 अंक लाए थे, यानी कहने का मतलब मैट्रिक में भी इनका स्कोर बहुत ही बेहतरीन था। और इनका जब आगे बात करते हैं, जब संवाददाता पूछते हैं इनसे कि जैस आप बिहार बोर्ड में टॉप किए हैं, तो आप खुशी का इजहार करते हुए नेहा ने कहा, जब इनसे पूछा गया खुशी का आप मतलब किस तरीका से अपनी खुशी का इजहार करते हैं, तो नेहा कुमारी ने बताई, मुझे अच्छे मार्क्स की उम्मीद थी लेकिन इसका अंदाजा तक नहीं था कि टॉप कर जाऊंगी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती हूँ। पढ़ाई के दौरान उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। समाज में एक अच्छी जगह हासिल करने के लिए वह हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हैं। तो गाइज, देख सकते हैं कितनी बेहतरीन बात उन्होंने नेहा कुमारी बोली है। तो गाइज, वीडियो को लाइक बनता है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल बिहार का एक एजुकेशनल चैनल है और बिहार रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नेहा कुमारी ने स्टेटमेंट दिया है कि गाइज इनका जो ये स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, पूरे बिहार में टॉप करने का सक्सेस स्टोरी, सक्सेस जो है वो पूरे माता पिता के सपोर्ट से इन्होंने टॉप किया, पूरा परिवार का सपोर्ट है। देख सकते हैं, वो अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती है। पढ़ाई के दौरान उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। समाज में एक अच्छी जगह हासिल करने के लिए वो हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, यानी कहने का मतलब इनका जो परिवार है वो समाज में एक अच्छे जगह हासिल करने के लिए हमेशा इनका मनोबल को बढ़ाते रहते हैं गाइस। और आपको पता होना चाहिए कि किसी बड़े चीज को पाने के लिए फैमिली सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। फैमिली सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है गाइस। तो नेहा कुमारी का फुल फैमिली सपोर्ट था और इन्होंने अपना सफलता का श्रेय भी परिवार को देती है। आगे देखते हैं इनका रणनीति, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इनका रणनीति, इन्होंने कैसे तैयारी किया और इस एग्जाम में टॉप किया। तो इन्होंने बोलती है, जब संवाददाता पूछते हैं तो इन्होंने अपनी तैयारी के बारे में बताती है कि सिलेबस पूरा करने के बाद मैंने हर विषय के नोट्स बनाए। मैथ्स मेरा पसंदीदा विषय है और लगातार सिंपल पेपर हल करने से मुझे क्वेश्चन पैटर्न समझने और टाइम मैनेजमेंट में मदद मिली। बहुत इंपॉर्टेंट, जो अपकमिंग 12th का एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इनका रणनीति से सीख लीजिए, क्योंकि गाइस सिलेबस पूरा करने के बाद इन्होंने हर विषय के नोट्स बनाए थे। अगर आप 12th का प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो गाइस नोट्स जो होता है ना, खुद से बनाया हुआ नोट्स, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि गाइज उसमें पूरे साल का आपके द्वारा लिखा हुआ नोट्स होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और जैसे आप पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे हाईलाइट कर लीजिए। इन्होंने कुछ ऐसा ही कर रखा था, सिलेबस पूरा करने के बाद
हर विषय का नोट्स बनाए और इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था, जो पसंदीदा सब्जेक्ट था, मैथ बहुत ही ज्यादा पसंद था नेहा कुमारी को। और उसके बाद लास्ट टाइम जब इन्होंने सिंपल पेपर बहुत सोल्व किए थे, सिंपल पेपर सोल्व करने से एक फायदा हुआ कि इनको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आया, और क्वेश्चन पैटर्न के साथ साथ जब सिंपल पेपर सोल्व कर रहे थे तो उस टाइम टाइम के अनुसार इन्होंने सिंपल पेपर लगाना स्टार्ट किया, जिससे टाइम मैनेजमेंट भी इन्हें प्रॉपर मदद मिली, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉपर मदद मिली, जिससे वो जो मेन एग्जाम होता है उस मेन एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में जब आपका प्रिपरेशन हो जाता है तो आप सिंपल पेपर जरूर लगाएं, और सिंपल पेपर के साथ साथ प्रीवियस पेपर भी होती है टाइम के अनुसार, जैसे जितना टाइम आपको एग्जाम में दिया जाता है उसी के बेसिस पे आप टाइम सेट करके उस पेपर को लगा लें, ताकि एक जो रिहर्सल होता है ना उस टाइप से आपका प्रैक्टिस होता है ना, जैसे क्रिकेट में प्रैक्टिस मैच होता है, मेन मैच से पहले प्रैक्टिस मैच होता है, उसी तरीका से आपका मेन एग्जाम से पहले प्रैक्टिस एग्जाम, मतलब सेम प्रैक्टिस एग्जाम की तरह हो जाए और आपको आगे चल के मेन एग्जाम में मदद मिले। तो गाइज आगे बात करते हैं इनके बायोग्राफी के बारे में। तो इनका पिता का नाम हुआ ओम प्रकाश गिरी, इनका पिता का नाम हुआ ओम प्रकाश गिरी और माँ सुनीता देवी। बेटी के शानदार प्रदर्शन पर फूले नहीं समा रहे हैं नेहा के अंकल, और मिडिल स्कूल में टीचर जय प्रकाश गिरी ने कहा कि नेहा बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी रही है, वह कभी सीखने का मौका नहीं छोड़ती थी, वह रात में जागकर पढ़ाई और नतीजा गाइज उसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं, यानी पूरे बिहार में टॉप किया, ऐसा स्टेटमेंट उनके अंकल जयप्रकाश गिरी द्वारा बोला गया। गांव में अन्य बच्चों के सामने उसने शानदार मिसाइल पेश किया है और हम हायर एजुकेशन में भी उसका सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जब कोई भी बच्चा किसी एग्जाम में टॉप करता है, अच्छे मार्क्स से पास करता है, तो उनके पेरेंट्स का मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है गाइस, समझे। तो वही बोल रहे हैं कि अगर नेहा कुमारी आगे फर्दर पढ़ाई करना चाहती है तो फैमिली सपोर्ट पूरा रहेगा। और फिर आपको बता दूं, किसी बड़े एग्जाम को हासिल करने के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो नेहा कुमारी के साथ पूरा फैमिली सपोर्ट है गाइस, और इनकी फैमिली चाहती है कि आगे जाकर हायर एजुकेशन करे, यानी इनका तो सपना भी है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करे, तो उसका सपोर्ट पूरी तरीका से इनके फैमिली के तरफ से मिल रहा है। और इनका जो अंकल हुए वो एक मिडिल स्कूल में टीचर है, और तैयारी की रणनीति जो स्टूडेंट आगे चल के प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है कि इनका तैयारी की रणनीति कैसा होता है। और मैं आपको बता दूं कि 12th बोर्ड और 10th बोर्ड का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, उनका तैयारी की रणनीति होना चाहिए गाइज, वो जिस टाइम जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना पढ़ाई ले रखे हैं वो इंस्टीट्यूट का प्रॉपर क्लास करें, क्लास करके जो नोट्स उनके इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है खुद नोट्स बनाते हैं, उस नोट्स को बार बार पढ़ें, ना कि लास्ट के जब एग्जाम का टाइम है उस टाइम पढ़ने से आप अच्छे स्कोर नहीं कर, अच्छे स्कोर से तो पास कर जाएंगे लेकिन जो टॉप होता है ना, टॉप 10 में आना, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बनना, वो गाइज लास्ट के 2-3 महीना से कोई नहीं बनता है। उसके लिए आपको पूरी साल की स्ट्रैटेजी, यानी पूरी साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप बिहार में टॉप कीजिएगा गाइज। तो मैं आपको बता रहा था कि मतलब आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पे अच्छे से उसका नोट्स बनाएं, और नोट्स जब जिस टाइम आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते हैं तो उस टाइम जो जो पॉइंट्स आपको लगे कि मैं इस पॉइंट्स को भूल जाता हूँ, उस पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें या पेन से वहाँ पे टिक कर दें, ताकि जब नेक्स्ट सेकेंड टाइम उसे रिविजन कीजिएगा तो उस पॉइंट्स को आसानी से पढ़ लें और आपका टाइम वहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद जब आपका रिवीजन हो जाता है तो सिंपल पेपर और प्रीवियस पेपर जरूर लगाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि कौन सा
किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आई होप ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो गाइज कर दीजिए वीडियो को लाइक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।